Robin, एक फिल्मी लड़का था जिसको जबरदस्ती उसके उसके इंजीनियर बनाना चाहते थे कुछ भी सिचुएशन हो जैसे MG ने हाथ का बना पोहा ही खा लिया तो भी वो खुश घर ला, ला, ला। <laughs> नहीं, नहीं तो, में इतने सौ काम पड़े आपकी तरह में आके बैठ जाओ गोपी भाई रसोड़े में क्या बन रहा है आज रसोड़े में तो I'm cooking something for What MG. <laughs> को को उनको आज की खानी है उन्होंने okay. मुझे बैंगन वाला इमोजी भेजा था अच्छा। <laughs> दाल पकने में तीन सीटी जाती है बापूजी सुबह शाम चार दवाई लेते हैं बा अपनी चाय में दो चम्मच आई थिंक पुनीत सुपरस्टार भी अगर वो नाली में टूट रहा है तो वो तो भी मुझे भी लगा गोपी मेरे सबसे ज्यादा व्यूज लेके आएगी बट वो गोपी धोखा दे दिया हाँ बहुत नलायक है थी। <laughs> ऐसे मत बोलो यार वैसे लगता मेरे को डांट रहे <laughs> एकता कपूर के जो भी शोज बनाए वो हमेशा अपनी स्टोरी पे शेयर करती है। Oh my God, मतलब एकता कपूर इज़ ओजी शेयरिंग योर वीडियो। Yeah, yeah, हाय आप देख रहे हैं फिल्मी बीट मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुखरी तो आज जो मेरे साथ शख्सियत है ना समझ नहीं आ रहा कैसे इंट्रोडक्शन दूं मैं उसे मतलब टीवी की जितनी बहुएं हैं ना चाहे वो गोपी बहू है चाहे वो प्रेरणा है चाहे वो अक्षरा है सब पानी भरती है इनकी <laughs> मतलब कहते ना खुदा ने पता नहीं कहता ना क्या सोच के बनाए इनको इतना टैलेंट दे दिया क्या बोलू हमारी गोपी बहू हमारी अक्षरा हमारी रोमोलिका क्या बोलू मैं कितने नाम है मेरे मेरे को खुद ही करती है गाइस वेलकम रॉबिन कोरियन विदास सोशल मीडिया स्टार जिनकी रील्स इतनी वायरल होती है कि मतलब आपको क्या बताएं सीरियल हो चाहे अक्षरा नैतिक हो चाहे हमारी गोपी बहू एम जी हो मतलब इतने टॉक्सिक <laughs> एम जी की आपने गोपी बहू बना के दे दी मतलब बताओ पहले आप मेरे को पहले तो थैंक यू फॉर इतना ब्यूटीफुल इंट्रो दिया मेरी इतनी तारीफ हो गई इतना know, मैं आई डोंट नो मैं डिजर्व करता या नहीं करता डिजर्व मच मोर आई फील गोपी साथिया शो है ना वो बचपन की तरफ लेके जाते हैं मेरे सारे जो भी मैं रील्स बनाता हूँ वो एक नॉस्टैल्जिया पे बेस्ड होता है तो गोपी मैंने मम्मी के साथ शिद्दत से बैठ के देखा है अच्छा हर रोज सात बजे हर रोज सात बजे मैंने देखा है मम्मी के साथ जब कुकर फटा था हाँ। उसमें मैं और मम्मी सारा काम निपटा के साथ में बैठ गए थे कि आज कुकर फटने वाला है आज वो वाला एपिसोड आएगा उस शिद्दत से देखा है मैंने

तो ही लिव्स इन कानपुर अच्छा ओके इन अनदर सिटी वी कनेक्टेड ऑनलाइन एंड हम फोन पे बात करते थे और मैं गोपी बनता था वो अहम बनता था हमने ऐसी बातें करनी शुरू करी और बहुत हंसते थे फिर हमने सोचा वाई नॉट मेक अ वीडियो आई नेवर थॉट दैट दिस वुड बी लाइक एन इंटरनेट ट्रेंड

किसकी 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 पहनते हो आप की मम्मी की है, की है क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल और वो साड़ियाँ मेरी दोस्तों की मम्मियों की है <laughs> मैंने उनसे ली थी और उन्होंने आशीर्वाद रूप में दी है मुझे कि बेटा तुम करो आई सपोर्ट यू अरे वाह मतलब yeah. अब क्या शॉपिंग भी होती है उसकी अब पहले पहले तो ऐसे ही स्टार्ट किया था मुझे, मुझे क्या पता था कि ये इतना बड़ा ट्रेंड बन जाएगा मुझे इसकी सीरीज हाँ। सीरीज़ बनानी पड़ेंगे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे मैंने तो ऐसे ही बोला कि आ, आ, लिसन यार मुझे साड़ी चाहिए और उसकी मम्मी ने मुझे दे दी और उन्होंने बोला बेटा रख लो वैसे भी हाँ। बहुत मैं वो है, हैवी साड़ी है तो मैं रोज़ तो नहीं पहन पाऊंगी तो तुम रख लो लेकिन हम इतने पॉपुलर हो गए और अब नए नए आई पीस करते हैं तो आप तो लिटरली शॉपिंग होती है मैं आउटफिट्स डिसाइड करता हूँ मैं ज्वेलरी शॉपिंग पे जाता हूँ अपनी कोई लड़की फ्रेंड को पकड़ लेता हूँ कि हाँ ठीक है और सबसे ज्यादा मुश्किल होती है बैंगल की शॉपिंग के लिए क्योंकि वो पहन के देखना पड़ेगा <laughs> <laughs> बाकी सब तो ऐसे ऐसे कर लो बट इट्स इंटरेस्टिंग आई हैव फन विद इट बिकॉज आई क्रिएट अ कैरेक्टर इन अ थ्री डी वे मतलब ऑल माई कैरेक्टर्स हैव ए डिस्टिंग्विश यूनिफॉर्म आई वुड से जैसे नोबिता और डोरेमोन और शिजुका हैं कि उनके यही कला बनाया है वैसी मैंने को तो लोग जो कहते नहीं थे कि गोपी साड़ी क्यों नहीं बदलती वो उसका है अनुपमा अक्षरा तो ये चार तो हम देख चुके हैं फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है जो आपको मजा आता मतलब लिए तो आई थिंक गोपी बहु इज बेस्ट आपको बता दें Uh, I think मेरे लिए फेवरेट गोपी है हाँ. क्योंकि जब मैं गोपी बन भी जाता हूँ हाँ. हम दो डायलॉग लिखते हैं हाँ. कि ये आप बोलोगे और हाँ. और इसका जवाब हाँ. जब मैं उसे करने बैठता हूं, और जो मेरे अंदर गोपी की आत्मा आ जाती है हाँ. मैं खुद देख के कहता हूं, ये लड़की क्या कितनी पागल है क्या कर रही है <laughs> ये मैं नहीं हूँ आई थिंक आई एम आई एंड गोपी आर डिफरेंट आफ्टर आई शुड आई थिंक लोगों की प्रिय अनुपमा है प्रिय अनुपमा अनुपमा वो वो तो है डांस वाला भी हमने आपका वो रियल देखा था, that, इतना था। uh, एक चीज मैं जानना चाहूंगी हम जानते हैं आपको ऑन स्क्रीन हम बहुत सारे में देख रहे हैं बट टूडे आई वॉन्टेड नो रॉबिन क्या करते हैं रॉबिन ने कैसे जर्नी शुरू करी और आगे अब क्या क्या प्लान Robin, एक फिल्मी लड़का था जिसको जबरदस्ती उसके माँ बाप इंजीनियर बनाना चाहते थे अच्छा। okay. मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है oh. लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे ये कीड़ा काटा कि की, मुझे इसमें कुछ करना नहीं है hmm. तो आई रिमेम्बर मैंने झूठ बोला है घर पे कि मैं इंजीनियरिंग की जॉब के लिए जा रहा हूँ झूठ बोल रही है <laughs> बोल रही है मतलब मेरी बहुए वैसे भी इम्परफेक्ट होती है एक okay. गोल्डिगर है एक थोड़ी सी नटकट है एक थोड़ी चालाक है मैं वो वर्जन में बिलीव ही नहीं करता वो नरेटिव में, में जेनजी बहु हाँ। है जैनसी बहु है मेरी आज की और आज के टाइम में ऐसे ही चलेगा तो मैंने झूठ बोला मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की इंटर्नशिप की थी सबसे okay. पहले एंड वहाँ मेरी बड़ी तारीफ और सराहना हुई थी तो मुझे लगा कि उन्होंने भी बोला कि छोड़ दो तुम इंजीनियरिंग ये मत करो मैंने सुनी और आई थिंक आ, लेकिन यही है कि, ऐसी होती है कि आप सपना तो देख लेते हो बिल्कुल बट उसको पूरा करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए बिल्कुल। एम्प्लॉय तो था, के था। <laughs> <laughs> मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे रोज मुझे डांट पड़ रही है कहा यार मैं क्यों कर रहा हूँ मतलब पैसे आ रहे हैं बट मैं खुश नहीं हूँ ना वो खुश है मुझसे ना मैं उनसे खुश हूँ क्या हो रहा है मतलब

मैं घर गया मैंने एक uh, मतलब एक कुछ पीरियड्स घर में गुजारे ताने सुने मम्मी के बट मुझे था कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है एंड स्कूपूप को मैंने बहुत सा अपना रेज्यूमर बनाया मैंने बहुत ही क्रिएटिव सा सीक्रेट गेम थीम पे बनाया था मैंने अच्छा। हाँ तो वो मैंने हर जगह ब्लास्ट कर दिया एंड आई रिमेम्बर स्कूपूप से मुझे कॉल बैक आया मुझे यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि एक इंजीनियर जिसने अपना कोर्स छोड़ दिया बीच में उसने अचानक से उसको कैसे लोग पूछ सकते हैं तो मैं इंटरव्यू पे भी गया था वहाँ पे साउथ दिल्ली की लड़कियाँ बैठी हुई थी वैसे कि like, मुझे क्यों ही बुलाया है इंसर्ट करने के लिए बुलाया है। मैं वापस उन्होंने हाँ, तो वो टैलेंट no, uh, so, का अपॉर्चुनिटी मुझे दिया वहाँ अ एंकर आई वर्क एज अ प्रोड्यूसर देन एंकर एंड देन आई डिसाइडेड टू डू इंस्टा ऑन द साइड एंड आई थिंक फर्स्ट वीडियो वॉज जो उर्दू वाली मैंने बनाई थी mm -hmm. एक वो बहुत ही वायरल हो गई आई I मीन mean, uh, मेरी ट्वेंटी परसेंट ऑडियंस पाकिस्तानी है आज की डेट में पाकिस्तान में भी गोपी को मैंने फेमस करा है क्योंकि उन्होंने उर्दू के टाइम से मेरी जर्नी में जुड़ते गए और आज uh, बस यही चल रहा है मज़ा आ रहा है आगे फ्यूचर प्लान है मुझे एक्टिंग करनी है तो इन शह किसी वेब सीरीज़ में या किसी फिल्म में तो आप जो कैरेक्टर्स तो प्ले कर रहे हैं चाहे वो गोपी का हो अक्षरा का कभी रियल मतलब जो रियल कैरेक्टर्स उन्होंने कभी आपको अप्रोच किया या आपके उसमें कमेंट करा या शेयर की वीडियोस आई थिंक रूपाली गांगुली ने बहुत बार uh, मुझे अप्रिशिएट किया है आई थिंक उन्होंने ही पहले मैं अनुपमा पहले भी करता था जब इतना पॉपुलर नहीं हुआ था मैं तब विग विग नहीं खरीदी थी मैंने ऐसे चुन्नी से ऐसे बाल बना लिए थे एंड वो उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था लोग फैन क्लब्स मुझे फॉलो करने अच्छा लग गए थे आई थिंक शी हैज ऑलवेज बीन स्वीट एंड आई थिंक उन्होंने एक लाइन बोली थी कि इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी एंड वो वो लाइन मेरे दिमाग में घर कर गई कि हाँ शी अप्रिशिएट्स इट सो या और जितने भी मैंने कसौटी या एकता कपूर के जो भी शोज बनाए वो हमेशा अपनी स्टोरी पे शेयर करती है और उन्हीं के शोज देख के बड़े होकर उन्हीं से सराहना मिलना तो बहुत बड़ी बात है मुझे बहुत खुशी होती है इसमें क्या अनुपमा के स्टाइल में कुछ हमारे ऑडियंस के लिए भी बोल सकते हैं क्या बोलना है मैं आपसे बात करती हूँ आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए नहीं अनुपमा आपकी डांस अकेडमी बिल्कुल नहीं चल रही आप बिल्कुल सही से काम नहीं कर तो घर में इतने सौ काम पड़े हैं आपकी तरह तो पॉकेट में आके बैठ जाऊ और गोपी बहू रसोड़े में क्या कुक हो रहा है गोपी बहू वो तो मैं उन्हीं को ही खिलाऊंगी ना पोहा नहीं बन रहा पोहा नहीं उनको आज बैंगन की सब्जी खानी है उन्होंने okay. मुझे बैंगन वाला इमोजी भेजा था आज <laughs>

हमारे घर बच्चे आशीर्वाद से होते हैं प्यार से नहीं <laughs> प्रेरणा ये क्या करा तुमने छोड़ दिया अनुराग को और क्या बजाज के पास है ना बीबीसी <laughs> बिग ब्लैंक चेक्स एंड व्हाट अबाउट रमालिका एंड कोमोलिका रमालिका तो मस्त है क्या जानना चाहती हो उससे कहां आग लगाने वाली है हमारी कोमोलिका जल तुम्हारी जिंदगी में तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश जो की है <laughs>

है। हाँ, अच्छा ठीक हाँ, करता है तो करता है। क्योंकि हम वहाँ पे घूम रहे रहे हैं हैं। और लोग हमारे बन रहे हैं, लेकिन पे तो अभी भी मुझे ऐसे <laughs> suggestions ड्रॉप करते है की बैंक के पेपर दे दो या रेलवे वाला पेपर निकला हुआ दे दो गवर्नमेंट नौकरी कर लो बेटा डॉक्टर ही चाहिए मुझे यहाँ गोपी बनना है

मेरी जो पर्सनैलिटी उसी का एक ट्रेड को लेकर मैंने बनाया है ठीक है तो गोपी को भी ऐसे ही मैंने सोचा अलग अलग सिचुएशंस में डाल देते हैं तो अब गो गोपी का ऐसे ही है कि हम उसे किसी भी एक सिचुएशन में डाल देते हैं और वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती है कुछ भी कुछ भी, हाँ। कुछ भी बोलो उसका उल्टा ढूंढ लेते हैं आई थिंक सब ऐसे हैं एंड बिलीव मी डिस्पाइट बीइंग सो नॉटी गोपी कुछ भी नॉटी मतलब मतलब वी <laughs> गेट

हम दोस्त बने बहुत अच्छे हमने कभी सोच हम एक्चुअली क्रिएटर्स थे वो भी क्रिएटर था मैं भी क्रिएटर था वो अपने मतलब जॉनर के वीडियोस बना था मैं अपनी बनाता और हम एक एक साल तक दूसरे को फॉलो करते थे बट हमने एक दूसरे से कभी बात नहीं की अच्छा फिर एक दिन उन्होंने कोई मीम शेयर किया कुछ शेयर किया मेरे साथ मैंने कॉल किया उसको और वो कॉल में बात कभी खत्म ही नहीं हुई मतलब लंबी चल गई बहुत फिर हम वाइप करने लग गए सीरियल्स भी क्योंकि मेरा ऑब्सेशन सीरियल्स है तो मैं उसको जबरदस्ती बैठ के दिखाता था कि ये सीन दे कितना फनी है ये वो ये वो okay. फिर वही है कि जब मैं बात करता हूँ तो मेरे अंदर मेरे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं hmm. तो मैं गोपी की तरह रोल प्ले करने लग गया फोन पे एंड hmm. फिर बहुत ही ज्यादा सच में मस्ती में हमने बनाया हमने कभी सोचकर नहीं बनाया था कि इतना तो बड़ा वायरल सेंसेशन बन जाएगा okay. और इस तरीके से हमने वो, वो कानपुर में रहते वो दिल्ली आया स्पेशली शूट करने के लिए हमने एक, एक एपिसोड बनाया एंड ही वॉज वेरी अनकंफर्टेबल एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई ऑल्सो वॉज लाइक मेरे पास साड़ी पड़ी है मैं लुक में ही चले जाता वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड पहली मीटिंग में बोलता हूँ तुम शर्ट उतारो मैं साड़ी पहन रहा हूँ ऐसी कॉन्वर्जेसन थी वो बहुत अनकंफर्टेबल थी मैंने कहा नहीं nah, सक्षम कर लो कर लो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा हम वायरल हो जाएंगे वायरल हो जाएंगे एंड हम एक्चुअली वायरल हो गए And, uh, I mean, वो hesitant भी था क्योंकि आप जब से से हो गए आप तो... हो। कुछ भी कर लो आप तो उनके कर सामने कर से आते हैं ऐसे भी कर लो हाँ आप ऐसे भी बैठ जाओ मुझे उठा लो गोदी में हाजी <laughs> <laughs> मैंने रील डाली उसमें मैंने गोदी में ही उठा लिया <laughs> तो अभी आप लोग मिलते कैसे मतलब दिल्ली और

ऐसा लगता भी नहीं है सीरियल देख रहे हो बट आप सीरियल नहीं देख रहे हो बिल्कुल बट इतनी मतलब इतनी नोटी हमारी गोपी को कैसे मतलब और दूसरा ये भी है कि जैसे अगर आप दोनों का मतलब आई डोंट नो जैसे बहुत सीरियल्स है बट आई ओनली इमेजिन यू एज गोपी बहू ओनली हालांकि उसमें जो हमारी कोकिला है उनका नाम जो रसोड़े में कौन था मतलब आई इवन थॉट वंस की वाइल से कि वो भी कैरेक्टर प्ले करो ना बट आई थिंक नहीं आई थिंक यू आर बेटर एज अ गोपी बहू ओनली लेकिन यही तो प्रॉब्लम है hmm. मुझे लगता है क्योंकि आई लव गोपी बट मैं एक इंसान ही ऐसा मुझे बहुत कुछ करने का मन करता है Achha. एक चीज पे मैं स्टिक नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी बोर हो जाऊंगा और ऑडियंस भी बोर हो जाएगी एक पॉइंट पे जाके इसलिए हमने बहुत अलग अलग जॉनर्स अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग चीजें क्योंकि मैं भी ऐसे इंसान हूँ जिसे एक ही चीज करने में मजा नहीं आता okay. तो गोपी है अच्छी एंड वो आती रहेगी बट उसके अलावा और भी चीजें मैं साइड बाय साइड करता रहता हूँ, जैसे मुझे उर्दू में भी वीडियो बनाना बहुत पसंद okay. है uh, मैंने एक बार उर्दू में गाने को कन्वर्ट किया था अनहोली okay. करके जो गाना था mm -hmm. उसको मैंने पूरा उर्दू में कन्वर्ट किया था हाँ, तो, हा, right. तो oh. वो क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन मुझे बहुत पसंद है uh, तो इसलिए मैं एक चीज पे स्टिकली रह सकता बट नाउ डेज अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो ठीक है मतलब देट ऑफ कॉन्टेंट क्रिएटर्स हर घर में कॉन्टेंट क्रिएटर आपको मिलेगा बट समटाइम इट इवन टू दैट हाउ को आइडेंटिफाई कैसे करें मतलब ऑडियंस भी अगर है तो कैसे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेगी बिकॉज देर लाइकेंट क्रिएटर्स एंड आई थिंक आई डोंग इज इफ गं चुडेल इज मेकिंगी आई नॉट आई ऑल्सो वॉच इट 3 बजे रात को सोने से पहले <laughs> आई थिंक नथिंग इज क्रिंज अगर आपकी दुकान चल रही है और आप सामान बेच रहे हो और ऑफ कोर्स वो ऑफेंसिव नहीं है किसी के लिए तो क्यों हेट करूं मैं उस चीज को okay. तो सबको रिस्पेक्ट करता और कंटेंट को कंटेंट की तरह देखता मुझे नहीं लगता की मैं परफेक्ट हूँ या मैं अच्छा बनाता हूँ कोई नीचा कंटेंट बनाता है मुझे नहीं लगता आई थिंक पुनीत सुपरस्टार भी अगर वो नाली में रहा <laughs> है तो वो भी कंटेंट है वो बिग बॉस पहुंच गया यार तो सक्सेस बोलती है उनकी तो ठीक है okay. मैं कौन हूँ जज करने वाला ऑडियंस के ऊपर है और एक्चुअली ऑडियंस देख रही है ना बिल्कुल बिल्कुल तो मैं अगर बोल भी लू मेरा ओपिनियन होगा वो उससे उसकी सक्सेस फेलियर कोई भी मैटर नहीं करेगी तो आई थिंक कंटेंट इज कंटेंट लोगों को मेरा कंटेंट भी लॉर्ड पुनीत बोलते हैं भाई लॉर्ड पुनीत गलती कर दी सॉरी माई जी सॉरी अच्छा उर्फी जावेद पे कभी कंटेंट नहीं बनाया uh, बहुत uh, मैंने ओके okay टेस्टेड में उर्फी मैं बेसिकली एक यूट्यूब चैनल पे भी काम करता हूँ उसका नाम ओके okay टेस्टेड है मैंने उर्फी के लुक्स ट्राई किए थे उर्फी मुझे फॉलो करती है उर्फी मेरी इतनी तारीफ करती है ओह माय गॉड

लाजमी है हुँ. मगर मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ इससे भागना नहीं चाहता क्योंकि भागने से और उस में रहने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड <laughs> 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 मतलब ऐसी चीज़ें होती है दिमाग में बट इट्स एग्जाम्पल अबाउट रिसेंटली दिस क्रिएटर प्रांशु बहुत ज्यादा हेटरेट और उस कॉमेंट सेक्शन में थी मुझे लगता है दिमाग में ऐसी चीजें आ सकती है बट किसी को जाके वो बोलना और उसको बुरा फील करा के कुछ नहीं मिलेगा तो मेरा भी यही होता है इनसिक्योरिटीज कंपटीशन अच्छी है होता है इट ड्राइव्स यू टू डू मोर मतलब सोशल मीडिया ट्रोलिंग आपको इफेक्ट करती है हाँ okay. कभी कभार कभी कभार करती है मैं इंसान हूँ ऐसे कोई मैंने मोक्स नहीं प्राप्त कर लिया कि मैं बिल्कुल भी लेकिन अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो ट्वेंटी मिलियन हिट कर गई थी एंड okay. उस पर थे कौन कुछ? सी वीडियो थी वो आई थिंक वीडियो कॉल था निब्बा निब्बी वीडियो कॉल <laughs> आपने नहीं देखा मैंने नहीं देखा सॉरी सॉरी गोपी बाऊ मैं गोपी बाऊ को ही देखती हूं तो uh, मुझे भी लगा गोपी मेरे लिए सबसे ज्यादा व्यूज लेके आएगी बट वो गोपी धोखा दे दिया हां बहुत नालायक के गोपी <laughs> <laughs> ऐसे मत बोलो यार ऐसे लगता मेरे को डांट रहे <laughs> <laughs> तो उस पे 10 15000 कमेंट्स हैं एंड uh, उस पे कुछ

With all the characters, message to our viewers. लेकिन अपने uh, hey <laughs> uh, जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमेशा अपनी शरारत करना मत छोड़ना और माँ बाप को बिल्कुल टबल नहीं करना कितनी टेंशन है उनके सर में और हाँ पढ़ो के आशीर्वाद के बिना कुछ मत करना और ये वाला इंटरव्यू भी देख लेना भाई <laughs> 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 और फिल्मी बीट को सब्सक्राइब कर अरे फिल्मी बीट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना घर आके आप टीवी पे टाइम करते रहते हैं जब टॉकिंग टू यू मतलब आई डोंट नो हाउ टू क्रिएटिविटी एंड आई फील ऑनर्ड कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ <laughs>